सनातन धर्म में गाय को माता कहा गया है। इसके पीछे धार्मिक कारण ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक कारण भी है। गाय पूरे विश्व में भुखमरी की समस्या को दूर कर सकती है। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक गौ करुणा निधि में कहा है, मान लो एक गाय मिनिमम 2 केजी पर डे दूध देती है जबकि दूसरी गाय 20 केजी पर डे दूध देती है, यानी एवरेज एक गाय 11 किलो पर डे दूध देती है, यानी एक मंथ में 330 केजी दूध प्रोड्यूस करती है। गाय का लैक्टेशन पीरियड औसतन 12 महीने का होता है। इस हिसाब से एक गाय एक साल में लगभग 4000 किलो दूध प्रोड्यूस करती है। ह्यूमन बॉडी को पर डे 2500 कैलोरी चाहिए। अब पर केजी दूध में 50 ग्राम चावल और 75 ग्राम शुगर मिलाने पर हमें लगभग 1000 कैलोरी प्राप्त होती है, यानी एक व्यक्ति के लिए लगभग 2 किलो दूध से बनी खीर उसकी ऊर्जा की आवश्यकता को तो पूर्ति करती है बल्कि जरूरी पोषक तत्वों की भी पूर्ति करती है। यानी गौ माता एक लैक्टेशन पीरियड में लगभग 2000 लोगों की भूख मिटा सकती है, जबकि गाय को मारकर खाने पर वह सिर्फ 80 लोगों का एक बार में पेट भर सकती है। अब आपको तय करना है कि गाय जैसे दुधारू पशुओं को मारना है या फिर दुनिया से भूखमरी मिटानी है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी